पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। हाल ही में पतंजलि द्वारा कोरोना की दवा बना लेने का दावा किया गया, जिसके बाद विवाद बढ़ता जा रहा है। बाबा रामदेव पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दवा को ट्रायल की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही मार्केट में लॉन्च कर दिया। खबर यह भी आ रही है कि कोरोनिल दवाई के ट्रायल में कथित रूप से एलोपैथी दवाई का इस्तेमाल किया गया और ट्रायल में सिर्फ हल्के लक्षण वाले संक्रमित लोगों को शामिल किया गया। सांस लेने में तकलीफ और गंभीर रूप से कोरोना से बीमार लोगों को ट्रायल में शामिल नहीं किया गया। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रायल से पहले कथित रूप से राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इस प्रकार कोरोनिल को लेकर तमाम तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। कोरोनिल को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और चार अन्य लोगों के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में FIR दर्ज हो गई है। FIR में उनके ऊपर आरोप है कि कोरोनिल द्वारा कोरोना के इलाज के लिए गलत दावे किए गए हैं। योग गुरु बाबा रामदेव और अन्य लोगों पर जयपुर के ज्योति नगर थाने में 26 जून को FIR दर्ज कराई गई। FIR में रामदेव और बालकृष्ण के अलावा वैज्ञानिक अनुराग वासनेव, निम्स अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर और निदेशक डॉक्टर अनुराग तोमर के भी नाम शामिल हैं। मामले में ज्योति नगर के थाना प्रभारी SHO सुधीर कुमार उपाध्याय ने इंडिया टुडे को पुष्टि करते हुए बताया कि इन सभी पर कोरोनिल दवा के जरिए भ्रामक प्रचार करने का आरोप है। कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव और अन्य लोगों के खिलाफ जयपुर के एक वकील बलराम जाखड़ ने शिकायत दर्ज कराई है। जाखड़ ने इंडिया टुडे को बताया, कोरोनिल दवा को लेकर प्रचार गुमराह करने वाला था, इसलिए रामदेव और 5 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 420 यानी धोखाधड़ी के तहत FIR दर्ज कराई गई है। FIR में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज NIMS के अध्यक्ष बलवीर सिंह तोमर का नाम है और उनका कहना है कि उन्होंने ट्रायल से पहले अनुमति ली थी। उन्होंने बताया, दवा की ट्रायल से पहले हमने CTRI से अनुमति ली थी, ये ICMR की ही एक बॉडी है। फिर NIMS जयपुर के 100 मरीजों पर हमने इस दवा का ट्रायल भी किया था। 69% मरीज 3 दिन में ठीक हो गए थे, जबकि 7 दिन में 100% मरीज ठीक हो गए थे। आपको बता दें कि बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ बिहार के हाई कोर्ट में भी शिकायत दर्ज की जा चुकी है। वहां भी उन पर आरोप है कि कोरोना की गलत दवा लॉन्च करके उन्होंने कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।